यार AKTU का जो रिजल्ट है वो थर्ड ईयर की बात करें या फिर फाइनल ईयर की, क्योंकि सिर्फ बीटेक फाइनल ईयर का रिजल्ट अच्छा आया है बीकॉम के और थर्ड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रतिदिन जो हार्ट बीट है वो शाम को पीक पे चले जाता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने का कभी भी संभावना बरकरार होता है। तो ऐसे में लगभग आप लोगों का मैसेज कल शाम को भी मैंने कुछ रीड किया और आज भी इंस्टा पे आया था कि सर क्लियर तौर पर बताइए रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो 11 मार्च 2022 की शाम को मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, और आप लोग में भी इसको 12 मार्च 13 मार्च कभी भी देखो। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में सभी कोर्स की, MBA, BR, BTEC, BPharma सब का बात करने वाला हूँ। देखिए रिजल्ट को लेकर गुड न्यूज़ ये है कि कल यानी कि 12 मार्च को BPharma फाइनल ईयर का रिजल्ट आ सकता है, पूरा संभावना है आएगा, आ सकता नहीं आएगा ही, समझ गए। दूसरा मैं आपको बताऊं जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं बी फार्मा के, उनको थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है 15 तक या फिर 14 तक। देखिए लंबा इंतज़ार का मतलब कल भी आ सकता है, कभी कभी AKTU मूडी मतलब मूड जो होता है ना उसका, कभी भी कुछ भी कर दे, साथ में जारी कर दिया, कोई भरोसा थोड़ी ना, पिछले सेमेस्टर में यही किया था। लेकिन अगर नियम कानून और लीगल वे से चला तो आपको सारा कुछ समझा दूँ, 12 तारीख को पूरी प्रबल संभावना है रिजल्ट किसका आने का, बी फॉर्म फाइनल ईयर का। 14 से 15 तारीख के बीच में आने का संभावना है रिजल्ट थर्ड ईयर का बी फार्मा। तो 12 से 13 तक मान के चलो कि फाइनल ईयर बी फार्मा कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, और 14 से 15 के बीच में बी फार्मा थर्ड ईयर कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, और वही इसी के बीच में 13 से 16 के बीच में बीटेक का। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में बीटेक थर्ड ईयर का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, और MBA फर्स्ट ईयर का और BR के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी 16 मार्च के पहले कभी भी जारी किया जा सकता है। यानी कि अब आप लोगों को लग रहा होगा सर फिर वही बात हो गई, रिजल्ट का कोई डेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे, क्या मतलब पढ़े चेकआउट करेंगे, डर जो है वो सस्पेंस बना रहेगा, बरकरार रहे। तो भाई परेशान नहीं होना है, सीधी सी बात भाषा में अगर आप उससे हम मैं बात करूं समझा दूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले यूट्यूब पे आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा आप लोग तुरंत अपना रिजल्ट चेकआउट कर पाओगे। तो फालतू का रोज़ चेकआउट मत करना, जब मैं वीडियो बना के बताऊँ तुरंत चेक कर लेना, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये बड़ा फ़ायदा है। दूसरा यूपी स्कॉलरशिप के फील्ड में लगातार मैं दिन प्रतिदिन तगड़ा वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, 2 वीडियो 3 वीडियो 1 वीडियो पर डे अपलोड कर रहा हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप अगर अभी तक नहीं आई है या फिर स्कॉलरशिप में फॉर्म पेंडिंग है या फिर हाल में ही वेरीफाई हुआ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं सारा अपडेट जो है ऑथेंटिक तरीके से हम कवर कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो होप आप लोग हमारे साथ जुड़ गए होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग अभी तत्काल जुड़ जाएँ, और रिजल्ट को लेकर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी का आप लोग का मैसेज तगड़ा मतलब ताबड़तोड़ आ रहा था, तगड़ा मैसेज आ रहा था, थोड़ा सा वेट कर लो, कल तक फाइनल ईयर का आ जाएगा, 2 दिन बाद जस्ट थर्ड ईयर। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाया गया है। इस साल डेली लर्न ने ISU स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है जिसमें पार्ट लेके आप लैपटॉप मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप रजिस्टर कर लें और आप भी पाइए 50 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ छोटे ग्रामीण शहरों को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश सारा माध्यम से डेली लर्न पे आप पढ़ सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, लाइव क्लासेस चलेंगी, सारा कुछ होगा, क्विज टेस्ट सीरीज। तो आप तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और आप भी पहले तक BPharma वाले निपट जाएंगे और 16 मार्च के पहले तक MBA BR को BTEC निपट जाएगा, समझ गए। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, यही जो रियल डेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, ये फाइनल डेट शीट है, समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।